हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और फूलों का मौसम कहना चाहिए इसे। हर तरफ फूल ही फूल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में पेटूनिया हो रहा है, गेंदा हो रहा है, डहलिया हो रहा है। और आज का वीडियो मैंने बनाया है गेंदे के फूलों के ऊपर कि आप गेंदे के पौधे से बड़े और ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे गेंदे के फूलों पर कितने फूल आ रहे हैं और कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। दोस्तों, जब आप गेंदे की पौध लगाते हैं तो उस समय आपको सॉइल तैयार करनी होती है, 30% फर्टिलाइज़र और 70% मिट्टी। उसके बाद आप जब वो बढ़ना शुरू होता है उसे आप फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उसे फर्टिलाइज़र देंगे तो उस पर जल्दी कलियाँ आ जाएंगी और पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा और उस पर फूल भी बड़े नहीं आएंगे। फूल तो बहुत आएंगे लेकिन वो छोटे छोटे आएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने बड़े होने तक इन पर कलियाँ नहीं आने दी, उन्हें काटता रहा जो आई, तो ये काफ़ी बड़े हो गए जब। तो उसके बाद मैंने इनसे फूल लिए तो ये फूल भी बहुत बड़े आ रहे हैं और अब इन पर फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि इन पर बहुत सारी शाखें हैं और बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि जिन पर मैंने ये नहीं किया उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पर कलियाँ कैसी आ रही हैं उसे देखते हैं। फूल कैसे आ रहे हैं, छोटे फूल आ रहे हैं, क्या स्थिति है। देखिए दोस्तों, इन पौधों पर जब कलियाँ आई तो मैंने उन्हें कट नहीं किया और कलियों को आने दिया। फूल खिले हैं, हर पौधे पे दो दो तीन तीन फूल खिले हैं, जबकि वहाँ हर पौधे पे 7 से 8 फूल खिले हैं और काफ़ी बड़े हैं। और इनके फूल भी छोटे हैं क्योंकि पौधा छोटा है तो फूल भी छोटे होंगे। उसकी जड़ें कम होते हुए कम न्यूट्रेंट ज़मीन से खींच पाता है तो उससे फूल भी बड़े नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपको बड़े फूल चाहिए गेंदे पे तो आपको शुरुआत में लालच कम करना होगा और आपने जो है अपने शुरुआत की कलियों को काट देना होगा ताकि पौधा बड़ा हो सके। और बड़े होने पे जो फूल आएंगे वो फूल काफ़ी बड़े होंगे और बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर आपको गेंदे पर ज़्यादा फूल चाहिए, बड़े फूल चाहिए, तो आप वो किस तरीके से पा सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।